अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। अब पंडित जी, सिंदूर लगा दिया है मैंने। पंडित जी, अब तो अपशगुन टल गया ना? जी। जय माता रानी की। जय माता रानी। आप सबसे विनती है कि आप मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। रब तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मों तक बनाई रखे, खुश रहो। तुम दोनों का परिवार जल्दी बड़ा हो, छोटे से नंद गोपाल तुम्हारे घर आए। देखना, माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद बड़ी जल्दी हरी होगी। पंडित जी, जय माता दी, जय माता दी। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हूँ माँ, मैंने महिषासुर के अंदर कला का चेहरा क्यों देखा? ये कैसा संकेत है माता रानी? सब आकर इतने प्यार से कला को आशीर्वाद दे गए और कोई तमाशा भी नहीं हुआ, ये कोई बात हुई? सब कुछ इतनी खुशी खुशी से हो जाएगा तो फिर एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा? कला, ये क्या मजाक हो रहा है? तू यहाँ तेज के साथ पूजा में क्या कर रही है? और दालचीनी कहाँ है? दालचीनी? तू क्या कर रही है यहाँ पर? क्या चाची, चल। दालचीनी, what happened? तू तेज के साथ पूजा में नहीं बैठी? बता। ये सब क्या चल रहा है दालचीनी? तुझे पता था कि घूंघट के पीछे ये कला बैठी हुई है? हाँ हाँ पापा जी, मुझे माफ कर देना। जब से झूठ बोलना पड़ा, फिर मैं और क्या करती? मेरा के बच्चे पर खतरा मंडरा रहा था, उसे आशीर्वाद की जरूरत थी, माता रानी के आशीर्वाद की, आस पड़ोस वालों लोगों के आशीर्वाद की। तो मैंने ही कला से कहा था कि घूंघट के अंदर तेज सर जी के साथ पूजा में तू बैठ जा। माफ कर देना पापा जी। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? और परजाई जी, क्या आपको इस सबके बारे में पता था? और तेज, तू मान भी कैसे गया? दालचीनी की जगह तूने कला को दी कैसे और अपने साथ पूजा में बिठाया क्यों? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है हमारे परिवार में। और तू दालचीनी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी परिवार से पूछना जरूरी नहीं समझा? तुझे पता है अगर यही बात बाहर वालों को पता चल जाती तो हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होती। अरे यहाँ ये पिंड वालों ने ना हमारा बहिष्कार कर देना था। एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही है। ऐसे तो मेरे को एक ही तरीका समझ आता है कि जल्दी से जल्दी तेज और कला की शादी करवा दी जाए। आई एम सॉरी दारजी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली नहीं है, लेकिन आज आपकी ये बात मैं हरगिज नहीं मान सकता। मैं कला से शादी नहीं करूंगा।
इस बच्चे को तुझे बाप का नाम देना होगा। दारजी, ना ये बच्चा मेरा है और ना ही मैं इसको अपना कोई नाम दूंगा। मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और उसका नाम है दालचीनी। और रही बात इस घर के वारिस की ना, तो एक न एक दिन मैं और दालचीनी साथ मिलकर आपको वो भी जल्दी दे देंगे। पर इस बच्चे को मैं कोई नाम नहीं देने वाला हूं। टेंशन की कोई बात नहीं है। सिम्टम्स हार्ट अटैक जैसे हैं, लेकिन हार्ट अटैक नहीं है। स्ट्रेस की वजह से इनको पैनिक अटैक हुआ है, लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से अगर इनको दोबारा ये सदमा पहुंचा तो शायद हम इतने लकी नहीं होंगे। वैसे भी इनका दिल बहुत कमजोर है। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। दीपक, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आ। वैसे इस पुट्टे ने सही टाइम पर बेहोश होकर हमारा काम और भी आसान कर दिया। ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने हम सबको। अगर हम आपकी जिद मानते हैं तो मेरे बच्चे एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। आपने अपने दिल में ये क्यों मान लिया है कि कला की कोख में पल रहा बच्चा दिलो परिवार का वारिस है? नहीं आंटी जी, मेरे और मेरे बच्चे के कारण आज इस घर के एक बड़े बुजुर्ग की जान पर बनाई, ये पाप मैं अपने सर नहीं ले सकती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। बच्चे की जान लेगी तू? तू नहीं जानती कि मैं अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर ये सब बोल रही हूँ। अरे कौन माँ अपने बच्चे को मारना चाहेगी? कभी तो मुंह खोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर, बच्चा गिरा दूंगी। जब दारजी को पता चलेगा कि ढिल्लो परिवार के चिराग को तूने गिरा दिया है, वो ये सपना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। अगर दाजी को जिंदा रखना है, उनकी जान बचानी है, तो बेटा तो तुझे कला से शादी करनी पड़ेगी। बेटा अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।